हेलो फ्रेंड्स, हाय, दिस इज़ डॉक्टर प्रिया एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल हेल्थ केयर बाय डॉक्टर प्रिया। सो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो लाई हूँ वो है ओरल हाइजीन पर, और स्पेशली जब आपके घर में कोई नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे होते हैं। सो आपके मन में कुछ क्वेश्चंस जो पेरेंट्स होते हैं उनके मन में सबसे पहले आते हैं कि बच्चों में हम ब्रशिंग कब शुरू करें, क्या बच्चों के गम्स पर भी ब्रश करना चाहिए, या क्या बच्चों में फ्लोराइड टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, या हमारे जो नन्हे मुन्ने होते हैं अगर वो ब्रशिंग करने को की जो हैबिट होती है उसको हेट करते हैं, नापसंद करते हैं, तो हम उन बच्चों में उस हैबिट्स को कैसे इन्हेंस करें। सो पहले मैं आपको प्राइमरी टीथ की इम्पॉर्टेंस बताने वाली हूँ कि प्राइमरी टीथ हमारे क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं। और अगर आप सोचते हैं कि जो बच्चों के टीथ टेम्परेरी हैं और परमानेंट से रिप्लेस हो जाएंगे, अरे वो तो अगर कीड़े भी लग गए तो वो गिर जाएंगे और दूसरे आ जाएंगे, तो ये जो आपकी सोच है वो बहुत ही गलत है। बिकॉज छोटे से ही आपको बच्चों में जो हैबिट है हाइजीन की वो डालनी चाहिए, जिससे कि जो आपके आने वाले दांत हैं वो अच्छे से निकल सके। क्यों? क्योंकि जब भी जो डिकेड टीथ होते हैं या जो ख़राब मिल्क टीथ होते हैं, अगर उनमें कीड़े लग जाते हैं तो वो आपका जो खान पान होता है, बच्चे की जो खान पान होती है, खाने की हैबिट्स होती हैं, और जो बोलने की यानी कि स्पीच जो हैबिट्स की जो डेवलपमेंट होती है उससे इंटरफेयर करते हैं। अगर आपके जो दांतों में मिल्क टीथ में ही कीड़े लग जाएंगे, जल्दी बच्चों के ख़राब हो जाएंगे, तो जो आपका जो बच्चे प्रोनंसिएशन होता है, जो बोलते हैं, जो स्पीच जो आपकी डेवलप होती है और जो आपका न्यूट्रिशन वो लेते हैं, उन सब में वो इंटरफेयर करेगा। और जो जब भी अगर आपके जो डिकेड टीथ होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं, वो डिकेड हो जाते हैं और गिर जाते हैं जो आपके, तो आपके जो आने वाले परमानेंट टीथ होते हैं वो आपके हमेशा टेढ़े मेढ़े आएंगे, और जिसकी वजह से आगे जब बच्चा बड़ा होगा तब भी जो क्राउडिंग की प्रॉब्लम होगी, ओरल हाइजीन की प्रॉब्लम होगी, और ये जो कीड़े लगने की जो प्रक्रिया है ये बढ़ती जाएगी और प्रॉपर आपका जो सफाई है वो नहीं हो पाएगी, जिससे बच्चे की आने वाली एज में जो खान पान है या जो ओरल हाइजीन है या जो सफाई से रिलेटेड जो डिजीज़ होते हैं टीथ से रिलेटेड, वो आपको बढ़े हुए मिलेंगे। सो सबसे पहला सवाल ये भी आता है कि जब बच्चा छोटा होता है, जब उसके एक भी टूथ नहीं होते हैं, तो क्या हमें तभी से सफाई शुरू कर देनी चाहिए बच्चों में? तो बिल्कुल, आप अगर बच्चा छोटा है, उसका गम्स है, तो आप क्या कर सकते हैं, जब भी उसे फीड करें तो आप एक साफ़ सूती कपड़ा ले सकते हैं, रुई का एक पैड ले सकते हैं और फिंगर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। आप ध्यान रखें कि आपके नेल्स नहीं बड़े होने चाहिए ताकि वो आपके बच्चे को चुभे नहीं। तो आप अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश करके या कोई साफ़ सूती कपड़े को लेके बच्चे के जो गम्स हैं उसको हल्के हल्के सॉफ्टली क्लीन कर सकते हैं, और यही प्रक्रिया आप तब भी दोहरा सकते हैं जब बच्चे में एक दांत निकले हो, है ना। तब भी आप ज़्यादा ब्रश का यूज़ नहीं कर सकते, और अगर करना भी चाहते हैं तो आपके जो फिंगर ब्रशेज़ आते हैं, छोटे बच्चों के जो ब्रशेज़ आते हैं जहाँ पे आप अपनी जो ब्रश होता है उसमें आप अपनी फिंगर को पुश करके और फिर सॉफ्टली आप जो अल्ट्रा सॉफ्ट जो ब्रशेज़ होते हैं उससे आप अपने बच्चे की टिथ को, या सिंगल टिथ जो होता है या दो दांत भी निकले होते हैं तो वहाँ पे आप ब्रश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पीडियाट्रिक डेंटिस्ट जो होते हैं यानी जो बच्चों के डेंटिस्ट होते हैं, वो प्रेफर करते हैं कि जो टूथब्रश होता है उसे पानी से मॉइस्ट कर लिया जाए। जब आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाए, जब उसके कुछ दांत निकल आए, तो आप उसके टूथब्रश को पानी से मॉइस्ट कर लें और चावल के दाने के बराबर आप उस पर टूथपेस्ट लगा लें। बहुत ज़्यादा आप टूथपेस्ट ना यूज़ करें, और चावल के दाने के बराबर आप उस पर टूथपेस्ट लें, और आप ब्रश जो आपका होना चाहिए वो सॉफ्ट होना चाहिए, जिसमें तीन रोज़ होनी चाहिए ब्रिसल्स की, ठीक है। जो उनमें जो ब्रिसल्स होती हैं उनकी तीन रोज़ होनी चाहिए, और ऐसा टूथब्रश को डिस्कार्ड कर दें जिसके जो एजेस होते हैं वो वियर्ड ऑफ होते हैं या बच्चे को हार्म पहुंचा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, 2 to 4 मंथ्स में ब्रश को डिस्कार्ड कर दें, क्योंकि बैक्टीरिया आपका ब्रश में डेवलप होने लगता है, और अगर आप प्रॉपर ब्रश को क्लीन नहीं करते हो तो वही बैक्टीरिया आपके बच्चे के माउथ में आपका इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, ठीक है। तो इसके अलावा आपका
आपको जैसे मैं बता ही चुकी हूँ कि जैसे ही बच्चे को फीड करें तुरंत उनके गम्स को क्लीन करें, ठीक है, ये क्या करेगा, जो आपके जो बच्चों में जो हो रही जो बैक्टीरियल ग्रोथ है, ठीक है, उसको कम करेगा, उसके साथ ही उनकी गुड ओरल हेल्थ को प्रमोट करेगा, ठीक है। और जैसे ही बच्चे के पहले दांत निकलते हैं, आप एक सॉफ्ट ब्रश का इस्तेमाल, सॉफ्ट सूती कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं या सिलिकॉन ब्रश ले सकते हैं। तो जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री है हमारी, जो रिकमेंड करती है फ्लोराइड टूथपेस्ट अगर आप यूज़ करते हैं, जब आपको लगे कि जो बच्चे के दांतों में कुछ हल्का सा इन्फेक्शन जैसा कॉज हो रहा है या केरीज हो, लाइट्स आपको लगे कि जो इनेमल है आपका वो डिसकलर्ड हो रहा है, तो आप एक राइस ग्रेन के बराबर, या अगर बच्चा आपका 3 साल का है तो आप एक मटर के दाने के बराबर आप टूथपेस्ट ले सकते हैं, ठीक है, और बच्चे में यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका बेबी कुछ टूथपेस्ट को स्वेलो भी कर जाता है तो जो बच्चों के टूथपेस्ट आते हैं वो उनमें जो होता है कोई ज़्यादा नुकसान नहीं कॉज करते। जैसे ही वो सेकेंड ईयर का होता है या दूसरे साल में पहुंचता है, आप उसे स्पिट करना बता सकते हैं कि आप बेटा ब्रश को कैसे, आप टूथपेस्ट को कैसे बाहर की तरफ थूक दें। सो आप, अब नेक्स्ट सवाल ये भी आता है कि कुछ बच्चों को ब्रश करना नहीं पसंद होता है, तो बच्चों को कैसे ब्रश करना सिखाएं? तो आपका जो बच्चा है वो खुद ही ब्रश करना चाहेगा, उसे ऐसा करने दें। बट अगर आप उसके साथ में उसे फॉलो अप करते रहें, उसे देखते रहें, उसके दांतों को आप मॉर्निंग में और बेड टाइम दोनों टाइम आप क्लीन रखें। और उसके अलावा मैं एक सलाह और भी देना चाहूँगी कि जब भी आपका बच्चा कुछ खाए तो उससे कुल्ला कराने की हैबिट डालें। ये आपका क्या होगा कि कोई भी जो बैक्टीरिया है वो उसके माउथ में नहीं रह पाएंगे। अगर कभी भी कोई स्टिकी फूड रह जाता है उसके माउथ में तो बैक्टीरिया डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो अगर आपका बच्चा ब्रश करने से नफरत करता है, उसे नापसंद है, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हर एक बच्चे को ब्रश करना पसंद नहीं होता। कुछ बच्चे खुद ही से ब्रश करना पसंद करते हैं, और अगर उसके दांत निकल रहे हैं तो उसके गम्स जो होंगे वो सोर होंगे और टेंडर होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको एक सॉफ्ट वॉश क्लॉथ लेना है, ठीक है, एक जेंटल टच के साथ में, ठीक है। आपको क्या करना है, हमेशा उसको जब भी ब्रश करना सिखाएं तो हमेशा एक गाना गाते हुए सिखाएं, या कोई उसकी मनपसंद राइम गाते हुए सुनाएं, या इस तरीके का कोई गाना गा सकते हैं जो ब्रशिंग से रिलेटेड हो। जैसे चिंकी ब्रश करती है तो उसके दांत साफ होते हैं, या बेबी wants to learn brushing, baby learns brushing, इस तरीके के आप सॉन्ग उसको गा के सुना सकते हैं। उसे ब्रश करके दिखाएं कि देखो पापा ने कर लिया है, मम्मा ने कर लिया है, और अब आपकी बारी है। तो इस तरीके से जब आप प्रमोट करेंगे उसी की ब्रशिंग, तो आपको खुद लगेगा कि बच्चे में चेंजेस आ रहे हैं। उसे ब्रश के साथ खेलने दें, उसे इनकरेज करें, उसे अलाउ करें ब्रश को पकड़ने में। ऐसा करने से आप उसे ब्रशिंग के लिए इनकरेज करेंगे और उसका जो करेज होगा वो बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये सब तो थे आपका जो ब्रशिंग होते हैं बच्चों में, वो आप बच्चों को कैसे सिखाएं। अब मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी कि आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात भी बताऊंगी कि बच्चों में जो ब्रशेस होते हैं वो किस किस कंपनीज के आपको मार्केट में मिल जाएंगे। सो आपको इन दो जो भी मैं कंपनीज बता रही हूँ उनके आपके ब्रशेस भी मिल जाएंगे और आपके टूथपेस्ट भी मिल जाएंगे। सो फिर स्कूल किट का आता है, जो किड्स के लिए आता है, कीडोडेंट नाम से भी जो आपके मार्केट में अवेलेबल है, ममाज अर्थ के नाम से भी आपका अवेलेबल है, और डिफरेंट फ्लेवर्स में अवेलेबल है, डिफरेंट फ्रूट फ्लेवर्स में अवेलेबल है। मीमी के भी आते हैं आपके ब्रशेज एंड आपके ये आपका टूथपेस्ट जो किड्स के लिए होते हैं, चीकू के आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जॉर्डन स्टेप वन या कोलगेट, ये सब आपके कॉमन जो ब्रांड्स हैं वो आपके आपका मार्केट में मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अब आपको ये समझ में आया होगा कि बच्चों में जो आपका ये इम्पॉर्टेंट है ब्रशिंग करना, वो कितना इम्पॉर्टेंट है। सो
इसी को हम शॉर्ट में बताते हैं कि आप अगर बच्चा छोटा है तो इसमें कैसे आप सॉफ़्ट कपड़े का यूज़ कर सकते हैं। हमेशा एक सॉफ़्ट ब्रश का इस्तेमाल करें जो हार्ड नहीं हो। पी साइज़ आपको, अगर 3 साल का बच्चा है तो पी साइज़ आपका टूथपेस्ट लेना है, और अगर छोटा बच्चा है ठीक है 0 to 1 ईयर का या 1 to 1.5 का, तो आपको कैसे राइस ग्रेन साइज़ का आपको टूथपेस्ट यूज़ करना है, कैसे उसे गाना गाते हुए, उसकी राइम सुनाते हुए, डांस करते हुए उसको ब्रश सिखाना है। उसके अलावा आप उसको इनक्रेज कर सकते हैं कि देखिए फैमिली मेम्बर्स ने कैसे ब्रश किया, इस तरीके से आप जो है उसमें ब्रशिंग की हैबिट को डाल सकते हैं फ्रेंड्स। सो ये तो था आज ओरल हाइजीन इन बेबीज़ या स्मॉल बेबीज़ या चिल्ड्रन आप कह सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाऊंगी वो आपका एक अच्छे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर लाऊंगी, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए एंड कमेंट करिए, और कैसा लगा मुझे नीचे बताइए। सो फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।